Hi students, in previous video we understood the exercises of poem number 4, Sea Song, and today we go for the chapter number 4, our little fish story. We start from meaning words. Number 1, million. Million means thousand and thousand in big amount. Number 2, floundering ka meaning hota hai struggling to fighting. एंड नंबर 3 इज मैशिश. मैशिश का मीनिंग होता है कि और नेटवर्क ऑफ वायर. हाउल, हाउल का मीनिंग होता है फिश कॉट इन द नेट. जो फिश का जो स्कूल था, उसका ग्रुप था, उसको बोलते हैं हाउल, जो उसमें ट्रैप हो गई थी नेट में. नंबर 5 कंटेंटेड. द मीनिंग ऑफ कंटेंटेड इज हैप्पी, मीन्स संतुष्ट. नंबर 6 स्मशिंग. स्मशिंग मीन्स साउंड मेड बाय समथिंग फॉलिंग इनटू वाटर, यानी वाटर में हम कुछ गिराते हैं तो एक साउंड आता है, उसको बोलते हैं स्मशिंग. नंबर 7 एम्प्टीड. एम्प्टीड यानी रिमूव्ड आउट, यानी बाहर निकालना, खाली कर देना. नंबर 8 रिगर्ड. रिगर्ड का मीनिंग होता है ट्विस्ट एंड टर्न मूवमेंट, ट्विस्ट और टर्न करना, तो उसको बोलते हैं रिगर्ड. नंबर 9 वार्निंग. वार्निंग का मीनिंग होता है एन एडवाइस ऑन अ सीरियस नोट, यानी कुछ भी अगर कोई भी काम होता है तो उससे पहले जो एडवाइस, उससे पहले जो वार्निंग मिलता है, सूचन, उसको बोलते हैं वार्निंग, यानी चेतावनी. नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट एंड इट इज प्रोज कॉम्प्रिहेंशन. द स्टार्टिंग पैराग्राफ इज देर आर ग्रेट मैनी मिलियन फिशेस एंड द एंड इज सो वेरी स्मॉल. दिस इज द वन पैराग्राफ ऑफ द चैप्टर एंड वी हैव टू नाउ डू द एक्सरसाइजेस. यू हैव टू रीड द पैराग्राफ फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. नाउ वी गो फॉर फिल द ब्लैंक्स फ्रॉम दिस पैराग्राफ. नंबर 1 देर आर अ ग्रेट मैनी डैस फिश इन द सीज, यानी दरिया में कितनी सारी फिश थी, तो ग्रेट मैनी मिलियन. द आंसर इज मिलियन. दिस वर्ड यू कैन फाइंड फ्रॉम द पैराग्राफ. नंबर 2 द लिटिल फिश वॉज नॉट हैप्पी. द आंसर इज हैप्पी. नाउ वी गो फॉर नेक्स्ट एक्सरसाइज. फाइंड अपोजिट्स ऑफ गिवन वर्ड्स. दो वर्ड्स दिए गए जिसको अपोजिट आपको पैराग्राफ में से ढूंढने हैं. नंबर 1 बिग. द अपोजिट ऑफ बिग स्मॉल और लिटिल. स्मॉल और लिटल, ये दोनों वर्ड आपको पैराग्राफ में से ही मिलेंगे. नंबर 2 क्राई. द अपोजिट ऑफ क्राई इज लाफ. क्राई मीन्स रोना एंड लाफ मीन्स हंसना. सो दीज आर द कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन एंड नाउ वी गो फॉर अनदर एक्सरसाइज एंड दीज आर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ एंटायर चैप्टर. नंबर 1 why was the little fish unhappy, means जो फिश था वो छोटा, वो अनहैप्पी, सैड क्यों था. आंसर, द लिटिल फिश वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज वेरी स्मॉल. उसकी जो साइज थी, स्मॉल साइज, वो उसको अनहैप्पी बनाती थी कि मैं इतना छोटा क्यों हूँ. नंबर 2 what happened to the fish one day, means जो फिश जो पानी में तैर रही थी, सारी फिश की बात है यहाँ पे, जो पूरी फिश का जो स्कूल था, जो ग्रुप था, वो जो पानी में तैर रहा था, तो उनके साथ क्या हुआ. नाउ वी राइट द आंसर एंड द आंसर इज द फिश वेर कॉट इन द नेट वाइल स्विमिंग इन द सी. फिश जो थी वो सारी, उसमें वो छोटा फिश था वो भी था, तो वो सब क्या हुआ, कॉट इन द नेट, नेट में ट्रैप हो गए, फंस गए वाइल स्विमिंग. वो क्या कर रहे थे, सी में जब स्विमिंग कर रहे थे तब वो नेट में ट्रैप हो गए. नंबर 3 वाई वॉज द फिश थैंकफुल टू बी अ लिटिल फिश. फिश जो था छोटा, वो अपने थैंकफुल क्यों हुआ, मीन्स उसने गॉड को क्यों थैंकफुल कहा कि वो लिटिल फिश है, इसके लिए वो उसने गॉड का क्यों थैंक्स किया. आंसर इज द फिश वॉज थैंकफुल टू बी अ लिटिल फिश बिकॉज ऑफ हिज स्मॉल साइज ही कुड रिगल टू द मैस एंड सेव हिज लाइफ. फिश से ना अपने आप को वो थैंकफुल, आभारी मानता है कि मैं छोटा हूँ ना, तभी बिकॉज ऑफ हिज स्मॉल साइज, उसकी छोटी साइज के कारण ही क्या हुआ,
कि ही कुड रिगल थ्रू द मैस, यानी वो नेट में से बाहर आराम से निकल गया रिगल करके, ट्विस्ट और टर्न करके, एंड सेव हिज लाइफ, और अपनी लाइफ उसने बचा ली बिकॉज ऑफ हिज स्मॉल साइज. अगर उसकी साइज बड़ी होती, अगर वो बड़ा होता तो फिर वो मैस में से बाहर नहीं आ पाता और डेड हो जाता. बट ही सेव्ड हिज लाइफ बाय रिगल फ्रॉम द मैस बिकॉज ऑफ हिज स्मॉल साइज. So these are some short question answers. You have to read these exercises and repeat in the notebook. And another exercises you will see in the next video. Thank you.